गाइस एक ट्रेजेडी हो गई थी अभी हमारे साथ में। गाइस एक पंगा हो गया है, अपनी जो नई नई गाड़ी है ठुक गई भाई। उनका सरिया घुस गया गाड़ी में। पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी है यार। बस अभी अपने औकात में आ गया, अभी तो बहुत चीजें देख रहे। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। फिर भाई मैंने अपनी नई गाड़ी की सफाई करने के लिए निकाला कपड़ा बाहर और अपनी गुरखा की मैंने सफाई करना करा चालू, बिकॉज जो अपनी नई गाड़ी है गुरखा ये जा रही है मंदिर, इसकी पूजा होने वाली है और मेरे साथ गाड़ी में बैठता मेरा भाई ओम। हमने खूब मजे करे भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम साथ में बैठे थे अकेले, वरना तो भाई मेरे बगल में पापा बैठते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं और ओम अकेले जा रहे थे। फिर पापा ने दिया अपना महत्वपूर्ण ज्ञान कि गाड़ी को सेफली ड्राइव करना है, सीट बेल्ट पहननी है और सेफली ड्राइव करना है। आप निकलो, पापा देख रहे हैं यार। भाई सीख गए गाड़ी चलाना, आप जाओ। मंदिर जाने तक तो थोड़ा ठीक नहीं थी गाड़ी यार। अब हम दोनों जाएंगे ना घूमने, हम दोनों अकेले निकलेंगे सिस्टम सेट करने। फाइनली पहुंच चुके हैं नाना जी के घर और नाना जी नानी को उठाएंगे और चलेंगे मंदिर। पापा ला रहे हैं दादी दादू और बीना बुआ और लवी को। फिर नानी को करा प्रणाम, नाना जी को करा प्रणाम और फिर हम इन दोनों को लेके निकल गए अपनी जर्नी पर। अरे उल्टी नहीं होगी। किसमें? हाँ ठीक है फिर। तो नाना जी बैठ चुके हैं। नाना जी बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, कैसा लग रहा है? हमें घुमाओ, हमें तो अच्छा ही लगेगा। फिर पीछे पीछे करी मैंने अपनी गाड़ी बैक और हम चले गए थे पापा लोगों से मिलने के लिए दादी के घर, और देखा कि पापा हमारे जस्ट पीछे ही थे। फिर हमारी गाड़ी में बैठे लवी और बीना बुआ और हम निकल चुके थे हंसते खेलते ऑफ रोडिंग करते करते हिलते डुलते अपनी मंजिल की ओर, जो कि था हमारा मंदिर। मंदिर पहुंचते देखा कि बंदरों का हो चुका है आतंक, पूरी गाड़ी घेर ली गई हमारी। फिर गाड़ी लगाई मैंने मंदिर के बाहर और गाड़ी की हुई पूजा अच्छे से। फिर गाड़ी की पूजा करके जय श्री राम का नाम लेके हम निकल गए थे आगे। फिर आगे की कहानी आप खुद देखो। रेवड़ी खा रहे, रेवड़ी गाड़ी की पूजा करने के बाद मुंह मीठा हो चुका है। बुआ खा लो। यहाँ पर सबका मुंह भाई मीठा करा रहे हैं। ये हो गया मीठा, दो भाई मैं खुद ही कर लूंगा मीठा। इस रास्ता देखो कितनी गहरी खाई है, खाई तो नहीं है खैर, लेकिन गाइस बहुत अब ढलान में जाना है हमको। अरे भाई लो भाई खाना खाने का टाइम हो गया है। खाना खाने हम नदी में जाएंगे, मतलब नदी के किनारे बैठ के खाएंगे। यहाँ पर नानी है दादी है। बुआ अंदर ही फंस गई, आओ निकाल निकाल निकल ले, मेरे को उतार ही नहीं रहे। सब लोग वहाँ बैठ चुके हैं, वही करेंगे अपना लंच। लंच घर से बना के लाए हम, आलू के गुटके पूरी रोटी और ओम भाई आ चुका है स्मार्टी बॉय, और अब अपनी गुरखा डालेंगे यहाँ से सीधे नदी में ऑफ रोड। तो ये क्या क्या है ये? नहीं नहीं क्या है ये? तो ये लोग अब गाड़ी लेके नीचे को आ रहे हैं। गाइस मैं अब यहाँ पे खड़ी हूँ और वो लोग सब, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, हम लोगों को उधर जाना है, वो लोग वहाँ से है। भाई ये देखो भाई, मैंने अपनी गुरखा डाल दी है यहाँ पे आधी पानी में आधी यहाँ पे, और ये पूरी नदी आती है अभी। लेकिन नदी आती कब है भाई? इतनी तगड़ी नदी आती है, पत्थर दिखते भी नहीं है ये सारे। हाँ इतना भयंकर पानी आता है, तो आजकल सूखा हुआ ना, नहीं तो यहाँ से गाड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा ये पूरा ये लेवल जो नीचे का, ये पूरा लेवल बराबर हो जाता है। बाकी यहाँ पर सब खा रहे खाना, नाना जी दादी नानी लवी दादू बुआ मम्मी सब घर से बनाया हुआ अपना आलू का गुटका, बड़े भी है और रोटी भी है। मजा आ गया बेटे, मिर्ची है नहीं नहीं दादी दादी मेरा कहाँ है? मेरा कहाँ है? मेरे को तो भूल गए। ये रहा मेरा, तू खा ले बेटा। तू नहीं खाएगी? मैं नहीं खा रहा। हमें वही हो रहा है, पता है मुझे। इसलिए कह रहा हूँ, ये किसने दिया मेरे को? लवी ये किसने दिया मेरे को? बुआ इसमें से आप पूरी कम कर लो। बुआ सुनो, बुआ
पूरी कम कर लो। रोटी हमारे ले आई थी तुम लोगों ने, ऐसे रोटी हमें खिलानी चाहिए मरीज थे। पूरी कम कर लो और कम कर दो, दो तीन कर दो। मैंने भी नहीं खाई है ना, क्योंकि हम ज्यादा खाएंगे तो फिर हाँ बेबी कम डाउन कम डाउन। देर हो रही, देर और कर दो ना, और कम कर दो। बेबी धर कर ले ले, मैंने नहीं खाया। ले ये आलू भी ले ले, बढ़ दो यार बढ़ दो। पापा बैठे भाई मस्त पोज में, तो भाई ये देखो आप। ओम भाई तुझे गम क्या हो गई भाई, तुझे किसी से गम हो गया भाई? भाई दादू मांग रहे भाई पानी जल्दी दे ओम भाई। अरे गले में अटक जाएगा, अभी मर जाएंगे यहाँ पर, बुड्ढों को दिया करो ना यार तुम भी बस। खुद पी रहा भाई पागल है। अरे भाई एक और बोतल। बुआ पानी दे दो, बुआ यार सबके लिए बचा मजा आ गया। पानी दे दो, लवी सेठ पानी दे दे यार, लवी सेठ आई वांट वाटर। ये देखो भाई पानी में कितना एलगी है भाई साहब, काई लगी हुई है पानी में, ये देखो। इतने सॉरी, लाओ 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 अबला। ओए इधर सुनो, इधर इधर आ गई आ गई आ गई। बिना लगाए निकल गई वो। मैंने डाल के डाली थी, डाल के डाली थी बेटा। नाना जी आपके अंदर बहुत कुछ डाल देते अभी, चलो जल्दी। गाइस एक ट्रेजेडी हो गई थी अभी हमारे साथ। गाइस एक पंगा हो गया है, अपनी जो नई नई गाड़ी है ठुक गई भाई, और साइड से ठुक गया है, साइड से ठुक गया, गंदी ठुक गई है भाई। मैं ड्राइव कर रहा था, सामने से सरिया वाले अंकल जी आ गए और उनका सरिया घुस गया, उनका सरिया घुसे गाड़ी में। वो तो ये है कि अपनी गाड़ी बच गई, अपना शीशा बच गया। अबे नाना जी बच गए, नाना जी बच गए यहाँ पे, अपना ये टूट गया शीशा, और ये इस लोहे की सरिया ने बचा लिया बस हमको, वरना तो पूरा शीशा टूटता है। पापा आ गए भाई, यहाँ पर मारे उसने, यहाँ से छटका तो ये यहाँ पर गया। आदमी से गलती होती है। चल चल वीडियो बनाते रहो बेटा, चल चलो उतरो। तुम क्यों कहाँ जा रहे हो? भारती पे उतर जाएंगे ना, बाल भारती पे उतर जाएंगे। कहाँ पर? पीछे भारती स्कूल। भाई पापा गुस्सा भाई, तो घर जा बेटा। भाई नाना जी को पता है ना क्या होता है, क्या होगा? रामनगर इज ऑफ। नो रामनगर इज नॉट ऑफ, क्यों हो जाएगा? बुकिंग हो गई, अब कैसे ऑफ होगा वो? यार दिमाग खराब हो गया यार, आज ही पूजा हुई थी गाड़ी की, आज ही गाड़ी घर से बाहर निकली पूजा होके। भाई यार बहुत तगड़ा, और भाई शीशे में भी इम्पैक्ट आया भाई यार, वहां तक उस दरवाजे तक इम्पैक्ट आया भाई, पूरी गाड़ी हिल गई पता है, पूरी गाड़ी हिल गई। मेरी थी भाई गलती, मैं इतनी अच्छी ड्राइविंग कर रहा था पहली बार, मैं अपने आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैं कितनी अच्छी ड्राइविंग कर रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल डिसेंट ड्राइविंग कर रहा हूँ, पहाड़ों में मोड़ों में बिल्कुल अच्छे से ड्राइव कर रहा हूँ। सामने आधे रोड घेर के छोटे हाथी में अंकल जी बैठे थे सरिया लेके, पूरी रोड तक सरिया आ रही थी। अब ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं निकलती, गाड़ी निकल जाती है आराम से, लेकिन मेरी गलती मैंने ये करी कि गाड़ी मेरी निकल ही रही थी वहां से, कि ये ऐसा लग गया। अबे ऐसा और स्पीड बहुत कम थी भाई, स्पीड बहुत कम थी, सरिया यहाँ पे था ठीक है, ये हमारी गाड़ी जा रही है, आपने यहाँ पे ब्रेक लगाया और ऐसे आपने मोड़ा, तो वो क्या हुआ कि आपने ऐसे मोड़ा तो आपने पूरा नहीं मोड़ा, जिस वजह से ये हिस्सा गया ठीक है सरिये से, और वो तो अच्छी बात, सरिया इस हिस्से पर टकरा गया और छोटा हाथी आगे चला गया भाई। अच्छी बात ये कि शीशे पुशे नहीं टूटे भाई, शीशे तो खुले थे मेरे हिसाब से, है नहीं बनते शीशे, खुला था भाई ये शीशा, खुला था, कैसी बात कर रहे हो शीशा, और अभी ये शीशा खुला था, नाना जी बैठे थे, सोचो सरिया अंदर आता तो क्या हाल होता भाई, सोच। और साथ में भाई सरिया ना इस पता अपने इस रॉड पर टकराई, और इस रॉड से रिकॉइल होके जो उनकी गाड़ी थी वो आगे घुस गई, कितना आगे चले गया, आगे चला गया वो पूरा गुरखा के फोर्स से। और भाई गुरखा को कुछ नहीं हुआ भाई, गुरखा भाई की वही खड़ी है, लेकिन बस जो हुआ ना भाई, और इससे बहुत दिक्कत हो गई है। पहले दिक्कत देखो क्या हुआ है ठीक है, पहले देखो अब डेंट, ये देखो दरवाजा नहीं खुल रहा है, और भाई साहब भाई ये क्या हुआ, गाड़ी गई यार, नई गाड़ी ठोक दी मैंने यार, वो देखिए ये पूरा चले गया, देख ये ढीला हो गया।
ये ढीला हो गया यहाँ से, ठीक है आगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखो भाई ये पूरा शीशा, और ये देखो भाई साहब ये पूरा नुकसान हो गया यार, ये और जो शीशा था अपना वो ऐसा हो गया। ये पापा को बोला तो है यार, पापा बहुत गुस्सा होंगे यार, इतनी अच्छी ड्राइविंग कर रहा था यार मैं। बंद ही नहीं हो रहा भाई ये तो, दिक्कत यहाँ पे हो रही कुछ। वाह कोई दिक्कत नहीं हो रही, ये जो लग रहा है ना दब रहा है। क्या यार भाई गाड़ी ठुक गई अपनी। कल हमको एक मैसिव ट्रिप पे जाना था और उस ट्रिप से पहले कांड हो गया भाई। अब पता नहीं घर पहुंच गए फाइनली। पापा को बात पता है भाई। पापा सामने खड़े, ओ भैंस की माँ, पापा तो सामने खड़े हैं भाई। पापा अंदर नहीं गए भाई, पापा लगता है रोड में ही करते हैं आज आज आपका कांड। आज होती पिटाई, देख तो पिटाइयों के दबाव में मुझे गुस्सा से बात कर रहा है कि मैंने गाड़ी ठोक दी अपनी नई गाड़ी। छी यार भाई, मतलब गड्ढों में कुछ नहीं हुआ, जंगल में कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, ट्रैफिक में कुछ नहीं हुआ, लेकिन खाली सड़क पे हुआ जो हुआ। खाली सड़क थी वो, और वहाँ हुआ जो हुआ। ये शीशा में भी भाई साहब दिक्कत हो रही है, ये शीशा भी बंद नहीं हो रहा है भाई, ये देखो बंद नहीं हो रहा है। क्या ये पूरा गया, ये पूरा नीचे आ गया, देखो पूरा नीचे आ गया। चलो वापस लगे गए, ये देखो नट बोल्ट इसका निकल गया, ये ढीला हो गया, ढीला हो गया। यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखो, नीचे देखो, वो यहाँ से कैसे निकल, पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी है यार, बस गाड़ी डेड। ये देख पूरा, ये पूरा निकल गया, पूरा निकल गया। ये पहले दिन गाड़ी निकाली मंदिर के लिए, पहले दिन में ये हल कर दिया। देखो ये और चला तेज, तेज नहीं चलाई मैंने, और चला तेज नहीं थी पापा, तेज नहीं थी, तेज नहीं थी। यही तो, ये कैसे हुआ बता। सामने आधी रोड घेर के वो खड़े थे सरिया वाले अंकल जी, उनकी गाड़ी से लगी मेरी गाड़ी, तो उनके आधी रोड घेर के रखे तो क्यों निकाल दी गाड़ी, जब निकल ली थी वहां से हॉर्न देता उनको। अरे हुआ क्या ना, देखो जैसे कि आधी आधी सड़क पर घेर के बैठे हैं, हम वहां से आ रहे थे, अब ब्रेक मार के भाई ने एकदम धीरे थी स्पीड, ऐसे करके भाई साइड से निकाल लेते, जगह थी इसके बराबर की तो साइड से निकाल लेते, तो ये वाली साइड का भाई को मेजरमेंट नहीं लगा, तो ये वाली साइड इतने से सरिये से टकरा गई। ये हुआ हुआ जो से निकाली था मेरी गाड़ी भी रुकी, मैंने कहा सारा गाड़ी की रुकी, या तो उसको पेल देंगे तो या घेर देंगे, मैं हड़बड़ा गया, गाड़ी पीछे लेकर तो मेरी गाड़ी भी लगी। 18 लाख की गाड़ी है, 18 लाख की गाड़ी, आज पहले दिन रोड में निकली है, मंदिर जाते हैं पहले दिन ही कांड हो गया उसका। और ये देखो यहाँ भी पेंट निकला है, देखो शीशा तो बंद कर दो, कोई ले जाएगा कोई गाड़ी से।